our channel Physics by CP Tagaya and myself Bhavi Tawar. I am again here to teach you biology subject. Previous class में, previous video में हमने जो पढ़ा था वो था about life, characteristics of living being. तो आज हम बात करेंगे एक physiological life process की, that is digestive system, digestion in human beings. तो हमारा आज का topic जो रहने वाला है वो कौन सा है? Digestion in human beings. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टॉपिक को डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग. ओके, तो डाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें डेली लाइफ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की, फॉर एनर्जी. मींस एनर्जी हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या लेते हैं? फूड. तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फूड हम लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में. तो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. द मेजर कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इनमें से ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स हैं, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी. मीन्स हमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी. अंडरस्टूड? मीन्स ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहिए वो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. जो स्मॉल क्वांटिटी में जो चाहिए वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, फूड है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें एनर्जी के लिए. किसके लिए? एनर्जी के लिए. और क्यों इस फूड की ज़रूरत पड़ती है? फॉर ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. अंडरस्टूड माय स्टूडेंट्स? मींस फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. अंडरस्टूड? अब फूड का जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में होता है. अब हम समझते हैं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, मीन्स पाचन, हम फूड लेते हैं और बहुत इजीली जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि ये बहुत इजी नहीं होता है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एंजाइम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से सीक्रेट होते हैं. और ये ऑर्गन्स कौन से हैं, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं? अब हम समझते हैं डाइजेशन प्रोसेस को. व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. मीन्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू सिंपल फूड मटीरियल, सिंपल फूड मटीरियल बाय द हेल्प ऑफ मैनी एंजाइम्स. मीन जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और आफ्टर डाइजेशन, पाचन के बाद, वो बन जाता है सिंपल फूड में. ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो सिंपल फूड में. कि कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होता है? सिंपल फूड में. इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर हर एंजाइम्स का क्या रोल है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज इनसॉल्युबल. कैसे होता है कॉम्प्लेक्स फूड? इनसॉल्युबल. और डाइजेशन के बाद ही कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म में. किस फॉर्म में? सॉल्युबल फॉर्म में. मींस कॉम्प्लेक्स फूड इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए
इस इनसॉल्युबल फूड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के बाद सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और इजीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अब आगे हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डायग्राम ड्रॉ करने में। इसकी लेबलिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है माउथ। माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आता है फैरिंग्स। फैरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फेरिंग्स ओपन होता है, फेरिंग्स डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, दैट इज ट्रेकिया एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, दैट इज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स के बाद एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोटिस के पास एक ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं हम इसे? एपिग्लोटिस। अब जो ग्लोटिस है वो टू में डिवाइड होता है, एक तो जाता है ट्रैकिया में और दूसरा जाता है ईसोफेगस में। तो ट्रैकिया आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हम आगे हमारे वीडियोज में पढ़ेंगे, जबकि अभी हम यहाँ लेके चलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ओके, अब ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक। किसमें होता है फ्रेंड? स्टमक। फिर इस स्टमक के साइड में एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, दैट इज लीवर। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड। डाइजेशन में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि लीवर का क्या रोल होता है। ओके, और लीवर में आप एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस थैली नुमा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गॉल ब्लडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लडर। अंडरस्टूड? ये जो गॉल ब्लडर है उसके सामने आप यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ओके, ड्यूडेनम जो है वो फिर ओपन, ड्यूडेनम जो है वो ओपन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्टमक के बाद एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, ड्यूडेनम भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है।
फिर इसके बाद आता है ड्यूडेनम के बाद जीजुनम, जीजुनम के बाद आता है ईलियम, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड ईलियम, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो ड्यूडेनम कहाँ ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दैट इज हाईली कॉइल्ड, कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा घूमी हुई होती है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो ये आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें ओपन हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोन। अब कोलोन को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे दिस इज असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग। फिर से देखो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। फिर डिसेंडिंग कोलोन ओपन होता है रेक्टम में, रेक्टम के बाद एक ओपनिंग होती है दैट इज एनस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग्स होती है, मेजर ओपनिंग्स। फर्स्ट एंटीरियर ओपनिंग इज, एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ, ठीक है। फिर पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एनस, अंडरस्टूड। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है माउथ, सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। माउथ के बाद आती है बकल कैविटी, ओके। बकल कैविटी के बाद आता है ईसोफेगस, एक्चुअली फेरिंग्स आता है, तो फेरिंग्स, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज, तो फेरिंग्स यहाँ पे आ जाता है, ट्रैकिया जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, और फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हमने फूड पाइप खा था, फूड पाइप ही इसे बोलते हैं। फिर ईसोफेगस इसमें ओपन होता है स्टमक में, ओके फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे माउथ, माउथ में जो बकल कैविटी है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है इसमें टंग, क्या होता है, टंग। टंग और आते हैं इसमें टीथ, और टीथ के अलावा इसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ओके। जो टंग है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स से बनी होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, और जो हमारी बकल कैविटी में होती है, इसका मेन रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, कि इट इज हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड। और जो टीथ होते हैं, टीथ जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको हम कहते हैं थीकोडोंट, क्या कहते हैं, थीकोडोंट। और कौन सी टर्म आती है इसमें, हिटेरोडोंट, हिटेरोडोंट और डायफायोडोंट, डायफायोडोंट, ओके। अब तीनों का मतलब हम समझेंगे, थीकोडोंट मींस टीथ एम्बेडेड होते हैं हमारे सॉकेट में, एम्बेडेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थीकोडोंट। एंड हिटेरोडोंट मींस डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिटेरोडोंट, ओके। फिर डायफायोडोंट, डायफायोडोंट का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बींग की लाइफ में दो बार टीथ आते हैं, मींस जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो उसके जो टीथ आना स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, मिल्की टीथ। और मिल्की टीथ के गिरने के बाद जब वो गिर जाते हैं तो कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ।
तो डायफायोडोंट में कौन से टीथ होते हैं? मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, मिल्की टीथ टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। जबकि परमानेंट टीथ जब कंप्लीट आ जाते हैं तो कितने होते हैं? 32। अंडरस्टूड। फिर आ जाइए सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड जो है इट्स सीक्रेट एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ओके। और भी इसमें सीक्रेट होता है म्यूकस। क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस। इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं टंग की स्ट्रक्चर, ओके। ये देखो ये टंग की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स को हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं पैपिले। क्या बोलते हैं? पैपिले, ओके। तो पैपी ये यहाँ से पैपिले स्टार्ट है। उससे पहले होता है टॉन्सिल। उससे पहले क्या होता है? टॉन्सिल। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले जो पैपिले दिखेंगे सर्कमवैलेट पैपिले। फिर उसके बाद यहाँ साइड में लेटरल साइड में जो होते हैं फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले फिर बाद में होते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले के बीच में जो पैपिले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले, ओके स्टूडेंट्स। ये पैपिले, पैपिले जनरली क्या है? टेस्ट बर्ड्स, जिससे हम टेस्ट करते हैं। जो डिफरेंट हम फ्लेवर खाते हैं फूड में, तो टेस्ट किसके द्वारा होते हैं? या तो फोलिएट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, ये सब सबका रोल क्या है? फॉर टेस्ट। टेस्ट को सेंस करते हैं, ठीक है। और हम डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से इनका इसको कैटेगराइज करते हैं कि सबसे आगे फ्रंट में किसको टेस्ट करते हैं? स्वीट। ये जो मीठी चीज होती है हम उसे टेस्ट करते हैं सबसे आगे वाले पोर्शन से। फिर होता है सॉल्टी। सॉल्टी चीज को हम टेस्ट करते हैं। सॉल्टी के बाद आता है सौर। सौर के बाद आता है बिटर। बिटर सौर के बाद क्या आता है? बिटर। इन सबसे पहले आगे वाले पोर्शन से हम मीठी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। फिर सॉल्टी जो नमक वाली जो चीज होती है नमकीन, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर सौर इस खट्टी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर सबसे पीछे वाले पोर्शन से हम बिटर, बिटर चीज को टेस्ट करते हैं जो कड़वी होती है। कड़वी चीज आप समझते हैं, बिटर को हम टेस्ट करते हैं सबसे पीछे वाले पोर्शन से। तो आई होप आपको ये टंग की स्ट्रक्चर समझ में आई हो। टंग के बाद हम पढ़ते हैं टीथ। क्या पढ़ेंगे? टीथ। टीथ हमने पढ़ा टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मिल्की, मिल्की टीथ जो सबसे पहले हमारी लाइफ में ओरिजिनेट होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ होते हैं 20 जबकि परमानेंट टीथ होते हैं 32, ओके। जो 32 टीथ होते हैं वो भी 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इसका एक जनरली डेंटल फॉर्मूला होता है। डेंटल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2123 अपॉन 2123। टू कौन से होते हैं? इनसीजर। इनसीजर फिर जो एक होते हैं कैनाइन। कैनाइन, ओके। फिर टू होते हैं प्रीमोलर। थ्री होते हैं मोलर, ओके। सबसे आगे इंसीजर, फिर उसके बाद होते हैं कैनाइन। कैनाइन फिर उसके बाद होते हैं प्रीमोलर, फिर उसके बाद होते हैं मोलर।
मोलर जो टीथ होते हैं इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। कौन से टीथ? विजडम टीथ। विजडम टीथ को हम हिंदी में जनरली कहते हैं अक्कल दांत आ गई। अक्कल दांत जब हम 20 की एज में हो जाते हैं उसके बाद जनरली ये मोलर टीथ है ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला ये आपको याद करना है अच्छे से, 2 1 2 3 upon 2 1 2 3। तो टीथ की स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं एक बार कि क्या होती है। जैसे ये टीथ है, इसमें सबसे जो ऊपर है इसको मैं पहले रब कर देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्राउन। क्राउन से नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं नेक। नेक के नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, सबसे ऊपर क्राउन, फिर नेक, फिर रूट। ओके, रूट। तो क्राउन जो पार्ट है वो किससे बना होता है? इट इज कॉल्ड इनेमल। इसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल इट इज हार्डेस्ट पार्ट। हार्डेस्ट पार्ट या फिर ऑर्गन इन बॉडी कौन सा होता है? इनेमल। इनेमल के बाद होता है डेंटाइन। डेंटाइन फिर होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, जो पल्प कैविटी होती है इट इज फिल्ड विथ नर्व्स, मैनी नर्व्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी नर्व्स। ओके, पल्प कैविटी, फिर हम इसे कह सकते हैं पल्प कैनाल। पल्प कैनाल तो ये एम्बेडेड होती है सॉकेट में, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं रूट। अंडरस्टूड? फिर हमने बकल कैविटी के बाद तो देखा था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। अब हम बात करते हैं स्टमक की। किसकी? स्टमक की स्ट्रक्चर। तो स्टमक की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको कैसे दिख रही है? जे शेप की। किस शेप की? जे मींस इस टाइप में। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर कैसी है? जे शेप की। तो इस जे शेप स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक, मिडिल पार्ट होता है फंडस, फंडिक, फिर लास्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे शेप की स्ट्रक्चर होती है। तो स्टमक से जस्ट पहले होता है ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस जब स्टमक में ओपन होता है तो यहाँ पे एक मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ स्पिंटर होता है। इस स्पिंटर को हम ईसोफेजियल, ईसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल स्पिंटर। मींस स्पिंटर का क्या रोल होता है? फूड ईसोफेगस से जब स्टमक में आता है तो वो प्रिवेंट करता है कि वापस फूड स्टमक से किस में ना जाए? ईसोफेगस में ना जाए। स्टमक से में एक बार चला जाता है तो वो यहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, वापस ईसोफेगस में नहीं जाता है। ठीक है, स्टमक जो है वो किस में ऊपर होता है? फिर यू शेप स्ट्रक्चर में। और यू शेप स्ट्रक्चर आपने पढ़ी थी, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, दैट इज ड्यूडेनम। That is duodenum, ठीक है। अब स्टमक जब ड्यूडेनम में ओपन होता है तो यहाँ भी एक स्पिंक्टर होता है। इस रीजन में स्पिंक्टर होता है। इस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। कौन सा स्पिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्पिंक्टर। ओके फ्रेंड्स, स्पिंक्टर है मीन्स स्टमक से जब
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो ये प्रिवेंट करता है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस इसमें ना जाए, स्टमक में ना जाए। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो ये तो हो गई हमारी स्टमक की स्ट्रक्चर। स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये हाईली कॉइल्ड, अभी हमने पहले पढ़ा था ये कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज़्यादा घूमी हुई होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6.7 to 7.6 meters। ये बहुत ही लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, इसीलिए एक स्मॉल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम इसको पूरा लंबा करके अगर देखेंगे तो ये कितनी कितनी लेंथ की होती है, 6.7 to 7.6 meters। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये जनरली होती है 1.5 meters, मीन्स 1.5 meters की लेंथ होती है। अब इंटेस्टाइन के भी हमने थ्री पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद आता है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। रेक्टम के बाद एक ओपनिंग होती है, दैट इज एनस। लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर एक बार हम फिर से देखते हैं। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसी होती है, अपेंडिक्स होती है वर्मी फॉर्म। कैसी होती है, वर्मी फॉर्म। अब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का क्या मतलब है, इसका जो हमारी बॉडी में रोल है एक तरह से तो नेग्लिजिबल इसका रोल माना जाता है, वेस्टिजियल होती है, लेकिन फिर भी इसमें माना जाता है कि इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्मी फॉर्म। इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये जो भी मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ, जिसका जो बेस है वो हमारा NCERT की बुक्स रहेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल।